जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जापक संत बाल भक्त ओम प्रकाश जी, जो अपनी छोटी सी उम्र में ही जिन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए और श्री कृष्ण से ये मानसी में बात करते थे, जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो भी वे भगवान को बार बार याद करके रोया करते थे, और इनके मन में एक कामना थी कि कब ये भगवान की उस सखा मंडली में शामिल हों। और भगवत विरह में इतना विलाप करते थे, एकांत में जाकर अपने मित्रों से दूर हटकर एकांत में रोया करते थे, हा कृष्ण तुम कब मिलोगे। ऐसी दशा उनकी हो गई थी। एक बार भगवान ने इनसे कहा कि मैं तुम्हें एक अनुष्ठान बता रहा हूँ, तुम उसे करो। तो उस विरह अवस्था में इन्होंने अपने घर वालों को बहुत से पत्र लिखे। उन पत्रों में से कुछ हम साधकों के लिए कुछ खास बातें हैं जो हम सबके बहुत काम आएंगी। नाम जापक साधकों के लिए अमृतवाणी है ये। बाल भक्त ओम प्रकाश जी कहते हैं पत्र के अंदर कि श्री कृष्ण सच्ची प्रार्थना को नहीं टालते, बड़ों के आशीर्वाद में बड़ा बल होता है। अपने घर वालों से कहते हैं कि बड़ों के आशीर्वाद में बड़ा बल होता है, आप लोग मुझे आशीर्वाद दें कि मैं श्री कृष्ण को जल्दी पा सकूं। मेरे सब प्रेमियों को मेरा यह आखिरी संदेश सुनाएं। मेरी यह भी प्रार्थना है कि संकीर्तन भवन बनाएं, उसमें नित्य प्रति एक बार इकट्ठे होकर सब भक्त कीर्तन करें। पहला पॉइंट, भक्त ओम प्रकाश कहते हैं कि कलयुग में भगवान नाम से बढ़कर भगवत प्राप्ति का कोई साधन नहीं है। दूसरा, कोई कार्य ऐसा नहीं जो नाम जप से न हो सके। यदि नियमित संख्या तक पहुंच गए तो बिना मन से किया हुआ नाम जप भी फल दिए बिना नहीं रहता। यदि आप प्यारे कृष्ण का नाम प्रेम से लें तो क्या कहना। ओम ने इस बात को खूब छाना और बीना है। तीसरा, मानसिक जप सबसे उत्तम है, एक क्षण भी नाम जप के बिना खाली न जाने दो। चौथे पॉइंट में कहते हैं खूब प्रेम से जप कीजिए, कोई भी मंत्र हो। पांचवा, जप में ढील मत करो, एक एक श्वास अमूल्य है और एक एक नाम अमूल्य है। छठा, निश्चित और नियमित संख्या पूरी किए बिना न छोड़ो, आलस्य से जप शुरू में नीरस लगता है पर थोड़े ही दिनों बाद वही नाम अमृत के समान लगता है। सातवां, भगवत दर्शन के लिए 14 करोड़ नाम जप की आवश्यकता है, भगवत दर्शन के लिए 14 करोड़ नाम जप की आवश्यकता है। आठवां, नकली बातों में कहीं असली बात को भूलकर जीवन को यूं ही मत गवा देना। नौवां, सौंदर्य के प्रेमी हो तो श्री कृष्ण से प्रेम करो, सौंदर्य के प्रेमी हो तो श्री कृष्ण से प्रेम करो। दसवां, भोजन करते समय प्रत्येक ग्रास पर भगवान नाम जपते रहो ताकि रोम रोम में नाम पहुंच जाए, ताकि रोम रोम में नाम पहुंच जाए। ग्यारहवां, नाम अमूल्य रत्न है, इसके द्वारा दुनियावी चीजें मत चाहो। बारहवां, नाम जप का पूरा फल सबको इसलिए नहीं मिलता कि वे उसे खर्च करते रहते हैं, गृहस्थों को किसी के यहाँ नहीं खाना चाहिए, नेक कमाई का पैसा खर्च करो। तेरहवां, भगवान तो भक्त के हृदय में दृढ़ता श्रद्धा तथा प्रेम देखते हैं, इन तीनों बातें अवश्य जप के प्रभाव से आप अपने आप ही आ जाती हैं। ये तीनों बातें नाम जप के प्रभाव से अपने आप आ जाती हैं। ये 12 पॉइंट भक्त ओम प्रकाश जी ने बताए। आगे कहते हैं, हाँ एक बात और कहनी है, मेरी लिखी कविताएं और लेख कल्याण आदि मासिक पत्रों में भेज दें, वे अनुभव की बातें भगवान के आदेश पर लिखी गई हैं,
बस मुझे श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति का आशीर्वाद दें। मैं अन्य साधनों को उपयोगी न मानकर केवल नाम जप को ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। मैंने स्वयं अनुभव किया है, इसलिए विशेष जोर देता हूँ। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह महामंत्र बहुत शीघ्र फल देने वाला है। यह बहुत ऊंची वस्तु है। दूसरा मंत्र उन्होंने बताया, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र की भी शक्ति अपार है। उपरोक्त दोनों मंत्र मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं। पहले कितने ही महापुरुषों ने नाम के द्वारा ही अपने इष्ट देव को प्राप्त किया। मैं तो गहरी खोज के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस मार्ग से बढ़कर आनंदप्रद और सीधा आसान मार्ग दूसरा है ही नहीं। जय श्री राधे। श्यामा श्याम की राह में आंखें बिछा दे बरसाने में, इन नैनन की बदरी से बरसात हो बरसाने। प्रिया प्रीतम की एक झलक मिल जाए कहीं बरसाने में, फिर मेरे जीवन की हो जाए शाम यही बरसाने। ओहे तो प्यारी लागे बरसाने की गलिया, ओहे तो बरसाने की गलिया, ओहे तो प्यारी लागे बरसाने की गलिया, ओहे तो प्यारी लागे बरसाने की गलिया। जग सोन्यारी लागे, जग सोन्यारी लागे बरसाने की गलिया, ओहे तो प्यारी लागे बरसाने की गलिया, तो चाहिए लागे बरसाने की गलिया। रसिकों की प्राण है ये जीवन आधार है, 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 रसिकों की प्राण है ये जीवन आधार है। राधा जू की कृपा का, श्यामा जू की कृपा का द्वार है बरसाने की गलिया, ओहे तो प्यारी लागे बरसाने की गलिया, ओहे तो प्यारी लागे बरसाने की गलिया, ओहे तो प्यारी लागे बरसाने की बरसाने। जो भी आवे चरणों की प्रीत पावे, बरसाने जो भी आवे चरणों की प्रीत पावे,
बरसाने जो भी आवे चरणों की प्रीत पावे। 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 राधे जू की पायल की श्यामा जू की पायल की झनकार है ये गलियां। ओहे तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां। ओहे तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां। ओहे तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां। ओहे तो प्यारी लागे बरसाने की। दही कानों की और केसर की चीच मचे। 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 प्यारी लागे बरसाने की गलिया। मोहे तो प्यारी लागे बरसाने की गलिया। मोहे तो प्यारी लागे बरसाने की गलिया। मोहे तो प्यारी लागे बरसाने की गलिया। जग सोनारी है ये, जग सोनारी है ये बरसाने की गलिया। जय श्री राधे। पूज्य श्री